मुझे सुनने और देखने वालों को सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। फिर मेरे चैनल के होम गार्डनिंग में आप सबको खुश आमदीद। तो आप देख सकते हैं ये मेरा करी पत्ता का प्लांट है, इसे मीठा नीम भी कहते हैं, करी पत्ता को मीठा नीम भी कहते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त और ये प्लांट है, और आप खाने पकाने में करी पत्ता यूज़ किया जाता है। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से मेरा प्लांट आप देख रहे हैं बुशी हो रहा है, और इसमें बहुत सारी शाखें निकली हुई है और एक ज़बरदस्त किस्म का ये ऊपर से दिखने में शो हो रहा है। अभी ये छोटा प्लांट है, अभी ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1 फुट का प्लांट है ये, और मेरे पास ये तकरीबन 4-5 महीने से है, और मैं नर्सरी से इसे ख़रीद कर लाया था जब ये हरा भरा था, और कुछ ही टाइम में बारिश वगैरह हुई थी, पानी की ओवरलोडिंग बहुत हो गई थी, जिसकी वजह से ये मरने के करीब हो गया था। तो फिर मैंने इसको बचाने के लिए उस वक्त इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, उसके सारी पत्तियां काट दी थी मैंने, और साथ में ये डंडी स्टिक आप जो देख रहे हैं ये थोड़ी और बड़ी हुआ करती थी, तो 4 से 6 इंच के ऊपर से मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग भी कर दी थी। फिर 2 से 2.5 महीने हो चुके हैं, और तकरीबन 3 महीने हो चुके हैं, 3 महीने के बाद का ये रिज़ल्ट है। आप देख सकते हैं कि 3 महीने में इसमें 3 से 4 शाखें भी निकल आ गई है, और पत्तियां तो बहुत ही सारी है इसमें, और अभी बाहर आने लगेगी, तो बाहर का मौसम आते ही इसमें ग्रोथ इसकी ग्रोथ में तेज़ी से इजाफा होगा, और ये हाइट भी लेना शुरू कर देगा, और इसमें मज़ीद और शाखें आना भी शुरू हो जाएगी। तो कैसा दिख रहा है मेरा करी पत्ता का प्लांट, मुझे कमेंट में करके बताएं कि आपको मेरा करी पत्ता का प्लांट अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। चले, अल्लाह हाफिज़।